प्रमुख राजव्यवस्था हमारे विद्यार्थियों के सेकेंड ईयर का एक पेपर है, जिसमें हम विश्व के अनेक देशों के संविधानों को पढ़ते हैं। ये इसलिए ज़रूरी है कि हमारे को ये नॉलेज रखना आवश्यक है कि किसी भी देश की शासन व्यवस्था कैसे चलाई जाती है, उस देश की शासन प्रणाली कैसी है, और उस देश का अब तक का जो इतिहास, जो वो देश विकास किया उसने, उसके पीछे उसके शासन प्रणाली, वहाँ के नागरिकों, वहाँ के भौगोलिक क्षेत्र, वहाँ के प्राकृतिक संसाधन और वहाँ की विदेश नीति और वहाँ का सिस्टम का बहुत बड़ा योगदान है। इसी को ध्यान में रखते हुए आज हम एक व्याख्यान, एक वीडियो लेक्चर के माध्यम से विद्यार्थियों को लाभान्वित मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें हम ब्रिटेन का संविधान लेते हैं। ब्रिटेन दुनिया में एकमात्र ऐसा देश है जिसने लंबे समय तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया और लंबे समय तक विश्व पर राज किया, जबकि ब्रिटेन के संविधान के बारे में अगर हम जाने तो ब्रिटेन में कोई लिखित संविधान ही नहीं है। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि संविधान क्या है। संविधान एक ऐसा लिखित दस्तावेज है जिसके माध्यम से शासन व्यवस्थाएं चलाई जाती है। लेकिन बच्चों के दिमाग में, विद्यार्थियों के दिमाग में, शोधार्थियों के दिमाग में आता है कि जब ब्रिटेन में लिखित संविधान नहीं है तो ब्रिटेन की शासन व्यवस्था और ब्रिटेन की कार्य प्रणाली कैसे चल रही है। ब्रिटेन बड़ा रूढ़िवादी देश है, वहाँ रूढ़ियाँ, प्रथाएँ, परंपराएँ, आस्थाएँ के आधार पर वहाँ पे जो भी नियम कायदे बने उनके अनुकूल ही लोग अपने आप को ढालने की कोशिश किए। ब्रिटेन कोई बहुत बड़ा क्षेत्रफल वाला देश नहीं है, लेकिन फिर भी उसने दुनिया पर बहुत लंबे समय तक राज किया। इसके पीछे वहाँ की शासन प्रणाली, वहाँ का लोगों का डेडिकेशन और न्यायप्रियता, कानून का शासन और अपने परंपराओं में विश्वास और अपने शासन प्रणाली में विश्वास, इसी को ध्यान में रखते हुए आज हम ब्रिटेन के संविधान के बारे में विस्तृत जानकारी जानेंगे। ब्रिटेन एक ऐसा क्षेत्रफल वाला देश है। सामान्यतः व्यक्ति जिस देश को इंग्लैंड, ब्रिटेन और ग्रेट ब्रिटेन के नाम से जानते हैं, उसका पूरा नाम ग्रेट ब्रिटेन आयरलैंड का संयुक्त राज्य है। इसका क्षेत्रफल 244,000 किलोमीटर है। जनसंख्या 6.5 करोड़ के आसपास है और ब्रिटेन संविधान एक विकसित संविधान है। किसी निश्चित स्थान पर बैठकर इसका निर्माण नहीं किया गया, बल्कि ये धीरे धीरे इसका विकास हुआ, इसलिए इसको विकसित संविधान कहते हैं। ये निर्मित संविधान ब्रिटेन का संविधान नहीं है। ब्रिटेन के संविधान को पढ़ने से पहले हम ये भी आवश्यक है कि ये संविधान की महत्वता क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो एक तो दुनिया का ये सबसे प्राचीन संविधान है, इसलिए इसको विद्यार्थियों के लिए आवश्यक है। लोकतंत्र पद्धति का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण, ये दुनिया का पहला संविधान है जहाँ पर डेमोक्रेसी के अनुरूप राजतंत्र होते हुए भी लोकतंत्र को बढ़ावा मिला और आज वहाँ पे एक ही नाम मात्र का राजतंत्र है, बाकी सब कुछ लोकतांत्रिक पद्धति के अनुसार ही शासन व्यवस्था चलाई जाती है। एकमात्र अलिखित संविधान
ये भी एक इसकी अनोखी विशेषता, निरंतर विकास में संविधान यानी हमेशा ये प्रोग्रेस करता रहा, स्वतंत्रता का प्रतीक। ये ब्रिटेन के संविधान की ये भी एक महत्वता है। और विश्वव्यापी प्रभाव, ब्रिटेन के संविधान का प्रभाव दुनिया के लगभग सभी देशों में इसका प्रभाव रहा। ब्रिटेन के भारतीय विद्यार्थियों के लिए ब्रिटेन का संविधान को पढ़ना अति आवश्यक है। ब्रिटेन के संविधान का क्या अस्तित्व है, लिखित और अलिखित संविधान का भेद अवास्तविक है। दूसरा यह है कि ब्रिटेन संविधान का एक अंश लिखित भी है, ऐसा नहीं है कि ब्रिटेन में सब कुछ है लिखित है। 1215 का मैग्ना कार्टा, 1628 का अधिकार याचना पत्र, 1689 का अधिकार पत्र, 1920 का आयरलैंड की स्वतंत्रता अधिनियम, 1937 का सम्राट के मंत्री परिषद परिनियम, 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम तथा 1911 और 1949 का संसदीय अधिनियम एक लिखित अंश है जिसका ब्रिटेन के संविधान पर बहुत बड़ा प्रभाव रहा। ब्रिटिश संविधान केवल सिद्धांत में ही लचीला, व्यवहार में नहीं है। बहुत सारे लेखक कहते हैं कि ब्रिटेन का संविधान लचीला नहीं है, ये बिल्कुल सही है। जैसे डीलो में ने कहा है कि ब्रिटेन की संसद स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री बना सकती है, बाकी नहीं बना सकती, सॉरी नहीं बना सकती, बाकी सब कुछ कर सकती है। ये ब्रिटेन के संविधान का ये कठोरता था। इलेक्शन है ब्रिटेन संविधान के आधारभूत नियम बहुत सारे, इसके जो पिटिशन ऑफ राइट्स 1628 का है और बिल ऑफ राइट्स 1689 का, ये बहुत सारे है जो ब्रिटेन के संविधान के अस्तित्व की बात करते। आगे प्रश्न ये उठता है कि जो ब्रिटेन का जो संविधान है, ये ब्रिटेन का संविधान के सोर्स क्या है, इसके स्रोत क्या है, क्योंकि किसी भी देश के संविधान के स्रोत के बिना वो संविधान का न तो विकास हो सकता है, नहीं उसका निर्माण हो सकता है। तो पहला इसका स्रोत है मान अधिकार पत्र, जिसको हम ऐतिहासिक प्रलेख, ऐतिहासिक दस्तावेज भी कहते हैं, जिसमें 1215 का मैग्ना कार्टा, 1628 का अधिकार पत्र, 1689 का अधिकार पत्र, ये बहुत सारी, ये एक तरीके का उनका रिकॉर्ड है। संसदीय अधिनियम दूसरा है, संसदीय अधिनियम, ये अलग अलग जो एक्ट बने, इन एक्टों भी ब्रिटेन के संविधान का एक सोर्स है। जैसे जिसमें 1679 का व्यवस्था अधिनियम, 1737 का स्कॉटलैंड के मिलन का अधिनियम, 1867 सुधार अधिनियम, 1911 1949 का अधिनियम, ये सारे एक्ट ब्रिटिश संविधान के स्रोत है। न्यायिक निर्णय, समय समय पर जो जुडिशरी का जो जजमेंट आया या जो निर्णय दिया, वो भी एक तरीके का इसका सोर्स बन गया, इसका सोर्स बन गया। न्यायिक पुनरावलोकन, जैसे अमेरिका के संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन एक बहुत बड़ी सोर्स है। सामान्य विधि, कॉमन लॉ जिसको बोलते हैं, कॉमन लॉ भी एक तरह है। प्रथाएँ परंपराएं हैं और संविधान की टीकाएँ हैं, जो समय संविधान पर लिखी गई टीकाओं का भी संविधान का एक स्रोत समझा जाता है। क्योंकि कोई भी महत्वपूर्ण संविधान समस्या उपस्थित होने पर संसद, न्यायालय और सभी संबंधित पक्ष इन टीकाओं का आश्रय लेते हैं। ये एक तरीके का है। अगला जो इसके अंदर है कि ब्रिटेन का जो संविधान हुआ, ब्रिटेन के संविधान में मंत्रिमंडल और मंत्रिमंडलात्मक जो विकास हुआ, कि वहाँ पे जो मंत्रिमंडल की, ये कोई एक बैठ के किसी चीज़ को नहीं बनाया गया। जैसे 17वीं शताब्दी से पूर्व मंत्रिमंडल का विकास, 17वीं शताब्दी के बाद मंत्रिमंडल का, 18वीं शताब्दी, फिर उसके बाद 19वीं शताब्दी, उसके बाद में 20वीं शताब्दी और 21वीं शताब्दी में भी एक तरीके का वहाँ पर धीरे धीरे विकास होता रहा।
इन सभी चीज़ों का आकलन करने के बाद, पढ़ने के बाद, हमारे मन में ये प्रश्न आता है कि ब्रिटेन के संविधान की विशेषता क्या है, कि ब्रिटेन के संविधान की लक्षण क्या है, क्या ब्रिटेन का संविधान सफल है, और यदि सफल नहीं है तो क्यों नहीं है, और सफल है तो क्यों है, इन पे हम विचार करेंगे। तो पहला है कि ब्रिटेन के संविधान की कौन कौन सी विशेषता। पहली विशेषता है विकसित संविधान, कि ब्रिटेन का संविधान दुनिया का एकमात्र ऐसा संविधान है जिसका कहीं पर भी बैठ के भारत के संविधान की तरह, अमेरिका के संविधान की तरह, जापान के संविधान की तरह, या चाइना के संविधान या फ्रांस के संविधान की तरह कहीं बैठ के किसी संविधान सभा द्वारा या किसी कमेटी द्वारा या किसी समिति द्वारा इसका निर्माण नहीं किया गया, बल्कि ये धीरे धीरे पाँचवीं शताब्दी से प्राचीन समय से किसी किसी परंपराओं प्रथाओं के माध्यम से धीरे धीरे आगे बढ़ा, उसके लिए उसको विकसित संविधान कहते हैं। अलिखित संविधान दूसरी विशेषता इसकी, अलिखित संविधान, ब्रिटेन का संविधान में कहीं भी कोई लिखित अनुच्छेद, लिखित दस्तावेज या लिखित फ्रेमबल जिसको अपन बोलते हैं ऐसा नहीं है, इसलिए इसको अलिखित संविधान कहते हैं। सिद्धांत और व्यवहार में अंतर, ब्रिटेन के संविधान की एक विशेषता ये भी कि ब्रिटेन का संविधान सिद्धांत और व्यवहार, जैसे मुंद्रो के शब्दों में ब्रिटिश शासन में जो कुछ भी दिखाई देता वह वास्तव में नहीं है और जो नहीं दिखाई देता वह है, यानी सिद्धांत व्यवहार में कुछ उदाहरण भी है। जैसे सैद्धांतिक दृष्टि से इंग्लैंड में राजतंत्र है किंतु व्यवहार में सब कुछ वास्तविक सत्या प्रधानमंत्री में निहित है। दूसरा, सैद्धांतिक दृष्टि से इंग्लैंड की शासन व्यवस्था में शक्ति प्रत्यक्षण पाया जाता है क्योंकि वहाँ की कानून निर्माण की शक्ति संसद में, कार्यपालिका शक्ति मंत्रिमंडल में है और न्यायिक शक्ति न्यायपालिका में नहीं थी, किंतु इंग्लैंड में संसदात्मक शासन व्यवस्था है और वहाँ शक्तियों का प्रत्यक्षण के स्थान पर शक्तियों का केंद्र